काफी पेशेंट्स की हमारी क्वेरी आती है कि डायबिटिक सर्जरी क्या है और ये किस प्रकार से काम करती है। बैरिएट्रिक सर्जरी एक वेट लॉस सर्जरी है जिसको हम मोटापा कम करने के लिए करते हैं, बट डायबिटिक सर्जरी एक बैरिएट्रिक सर्जरी की मॉडिफिकेशन है जिसे हम ओबीस पेशेंट में भी कर सकते हैं और नॉन ओबीस या ओवरवेट पेशेंट में भी कर सकते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी की कुछ टाइप्स होती हैं जैसे कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रिक बाईपास। कुछ सर्जरीज हैं जो हम ओबीस पेशेंट में करते हैं और उनमें बाय डिफॉल्ट डायबिटीज ठीक हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी है। सो ओबेसिटी से क्या होता है, हमें मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब कि आपका जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन बना रहा है बट आपकी जो इंसुलिन बन रही है वो काम नहीं कर पा रही, जिसका अंडरलाइन रीजन है कि आपका जो ओबेसिटी है या आपकी जो फैट है, जो ट्रंकल ओबेसिटी है, उसने आपके पैनक्रियास को काम नहीं करने दे रही है। सो कुछ सर्जरीज में सिर्फ वजन कम करने से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आपकी डायबिटीज बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाती है, लेकिन ये हर पेशेंट में संभव नहीं है। सो इसीलिए हम हर डायबिटिक पेशेंट का एक पैनक्रियाटिक फंक्शन इवेल्यूएट करते हैं कि आपका पैनक्रियास कितना परसेंट काम कर रहा है। सो जिन पेशेंट्स का पैनक्रियास 50% से ज़्यादा काम करता है उन पेशेंट्स में डायबिटिक सर्जरी संभव है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट ओबीस हो या ओवरवेट हो, डायबिटिक सर्जरी के लिए एक नॉर्मल पेशेंट में भी सर्जरी की जा सकती है अगर उसका पैनक्रियाटिक फंक्शन नॉर्मल है। तो अभी जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं डायबिटिक सर्जरी के लिए वो ये है कि अगर किसी पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा है और उसको टाइप 2 डायबिटिक्स है तो एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस उसके लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मेटाबॉलिक सर्जरी और डायबिटिक सर्जरी है। उनको मेडिसिन और इंसुलिन लेना इंडिकेटेड ही नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी जो आती है वो ये है कि जिन पेशेंट्स का BMI 30-35 है उनको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल थेरेपी है और इंसुलिन थेरेपी है प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के बावजूद भी या मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपका HbA1c 6.5 से कम नहीं हो पा रहा और आपकी डायबिटीज की डोजेज बढ़ रही है तो आप मेटाबॉलिक सर्जरी को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है यानी जो पेशेंट्स का BMI 27.5 टू लेके 32.5 तक है या 30 तक है, जिनमें डायबिटीज पुअरली कंट्रोल है और एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, आपकी किडनीज के ऊपर असर हो रहा है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, आपको डायबिटिक फुट है और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो भी आप मेटाबॉलिक सर्जरी कंसीडर कर सकते हैं। विच मीन्स अगर आपका वेट रफली अराउंड 75 केजीज भी है और आपकी मेडिसिन और इंसुलिन से डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप मेटाबॉलिक सर्जरी को कंसीडर कर सकते हैं। वॉच माई नेक्स्ट वीडियो अबाउट हाउ डायबिटिक सर्जरी हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज विदाउट इंसुलिन और अदर डायबिटीज मेडिसिन। डायबिटीज सर्जरी के ऊपर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे हुए लिखे हुए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या आप हमें फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।